अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये रेनबो ट्राउट फिश है। बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत डिलिशियस होती है। ये किस तरह बनाई जाती है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देखते हैं इस शॉर्ट वीडियो क्लिप में। जी दोस्तों, हमने ये दो जो है रेनबो ट्राउट फिश के पीस ले लिए हैं। तो इसके ऊपर जो है सबसे पहले मैं ये पेपरिका पाउडर इसमें लगाऊंगा। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप जो है चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, रेड चिली पाउडर। ये ब्लैक पेपर हम लोग इसके अंदर पिंच ऑफ शामिल कर लेंगे। पिंच जो है आप इसके अंदर ये मिक्स हर्ब शामिल कर लीजिएगा। पिंच जो है आप इसके अंदर ये क्यूमिन पाउडर शामिल कर लीजिएगा। सोल्ट टू टेस्ट, जितना आपने सोल्ट खाना है आप वो शामिल कर दीजिएगा इसमें। थोड़ा हम इसके अंदर ये ऑलिव ऑयल थोड़ा इस पर छिड़क देंगे। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी ऑयल अवेलेबल है, यू कैन यूज़ इट। मसाले लगाने के बाद इसको आप उंगली से सिर्फ हल्का सा ऐसे थोड़ा सा इसका मसाज कर लें ताकि मसाले स्टिक हो जाएं इसके साथ। देखिए हमारा ये देखें बेहतरीन जो है हमने इसको मसाज कर लिया है। ये देखिए नाज़रीन, इसको आप 5 से 10 मिनट रखें, फिर उसके बाद इसको डायरेक्ट फ्राई कर लें। तो मैं आपको 10 मिनट बाद फ्राई करके दिखाता हूँ। जी दोस्तों, फिश को जो है हम लोग बटर में फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो आपको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। हम लोग फिश निकाल लेंगे। आंच जो है आप इसमें बहुत मीडियम टू लो रखिएगा ताकि ये अच्छे तरीके से आपकी फिश जो है पक जाए। तो ये फिश डालने के बाद आप इसको छेड़िएगा नहीं, लेट इट कुक तकरीबन 3-4 मिनट तक, फिर इसके बाद हम लोग इसको पलटेंगे। जी दोस्तों, इसको पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं तो हम इसको जो है पलट लेते हैं। ये देखें दोस्तों, ये बेहतरीन क्रिस्पी हो चुके हैं ये इसकी स्किन। तो चले मैं दूसरी तरफ से फ्राई करके फिर आपको दिखाता हूँ। जब आप टर्न कीजिएगा तो प्लीज़ इसको जो है टच मत कीजिएगा। इसको जो मसाला हमने लगाया है इसको पकने दीजिएगा ताकि वो मसाला मछली के साथ अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो इसको भी मैं 3 से 4 मिनट तक फ्राई करता हूँ मीडियम टू लो आंच में, फिर इसके बाद मैं आपको शो करता हूँ। हाफ जो है हम लोग ये लेमन जूस इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये लेमन के साथ जो है ये बेहतरीन आपको टेस्ट मिलेगा इसके साथ, और ये बेस्ट कम्बिनेशन है फिश एंड लेमन का। तो मैं इसको इसी तरह थोड़ी देर तक पकाऊंगा, फिर इसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों, इसको जो है पलट लेते हैं हम लोग। ये देखें दोस्तों, इसको कैसा ज़बरदस्त और बेहतरीन जो है ये हमारी फ़िश क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हुई है, और जो मसाले थे वो सारे इसके साथ चिपक गए हैं। तो ये हमारी फ़िश जो है ऑलमोस्ट रेडी है, तो मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये हमारी जो है रेनबो ट्राउट फिश रेडी हो चुकी है। ये देखें इसका कैसा ज़बरदस्त और बेहतरीन इसका ये कलर आया है, और बिल्कुल क्रिस्पी ब्राउन हुई है और बहुत ही डिलिशियस लग रही है। इसको आप सर्व कीजिएगा चटनी के साथ, चपाती के साथ। और आज की रेसिपी को अगर आपने इंजॉय किया है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। अगर आपका ये पहला विजिट है मेरे चैनल में तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ आके फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।